का दौर शुरू हो चुका है। पाकिस्तान अच्छा खेल रही है, इंग्लैंड अच्छा खेल रही है, न्यूजीलैंड अच्छा खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेल रही है, मगर जीतना सिर्फ एक को है। और अब हर कोई अपनी अपनी प्रिडिक्शन जो है वो बताना शुरू कर दिया। हर किसी ने, चाहे वो फॉर्मर क्रिकेटर्स हो या फिर एक्सपर्ट्स हो, फाफ डुप्लेसी ने अपनी पसंदीदा टीम बताई है जो उनको लगता है कि ये साल T20 वर्ल्ड कप जीत सकती है, और उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया है। पाकिस्तान का नाम उन्होंने क्यों लिया और क्या वजह दी है जीतने की, वो आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। T20 वर्ल्ड कप का दूसरा दौर अब शुरू हो चुका है, यानी कि वो दौर जब होती है असली परीक्षा, मतलब कि नॉकआउट वाला टाइम। इस टाइम हर टीम ने जो ग्रुप स्टेज में किया वो किया, वो चीज पीछे छूट चुकी होती है। सामने सवाल होता है उस खास दिन अच्छा प्रदर्शन करने का। ऐसे में अब वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की कहानी शुरू हो गई है। टूर्नामेंट की 4 बेस्ट टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, इनमें से एक नाम पाकिस्तान भी है। यूं कहें कि इन चारों टीमों में से ग्रुप मुकाबलों में सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वाली टीम पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान जिसने अपने ग्रुप में 5 में से 5 मुकाबले जीते और शान से सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया। ऐसे में अब वर्ल्ड कप में जब टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, तो भविष्यवाणियों का दौर शुरू हो चुका है। हर कोई भविष्यवाणी कर रहा है कि ये टीम वर्ल्ड कप जीतेगी तो वो टीम वर्ल्ड कप जीतेगी। ऐसे में एक नाम साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डुप्लेसी का भी है। वो फाफ जिन्होंने हाल ही में IPL में CSK को चैंपियन बनाने में बड़ा योगदान निभाया। ऐसे में अब फाफ ने T20 वर्ल्ड कप का भी चैंपियन बता दिया है, जिसको लेकर वो पूरे विश्वास से कह रहे हैं कि इस बार 2021 के वर्ल्ड कप की लड़ाई में पाकिस्तान ही पीस साबित होगी। दरअसल साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर फाफ डुप्लेसी ने बयान देते हुए कहा कि इस बार पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतने जा रही है। डुप्लेसी के मुताबिक पाकिस्तान इस बार खिताब जीतने का प्रबल दावेदार है, क्योंकि इस टीम ने ग्रुप मुकाबलों में भारत और न्यूजीलैंड जैसी टीमों को हराया है, तो पाकिस्तान के इस बार वर्ल्ड कप जीतने के ज्यादा चांसेस दिखाई देते हैं। जाहिर है फाफ डुप्लेसी ने पाकिस्तान की वर्ल्ड कप जीतने के ज्यादा चांस बताए हैं, साथ ही उन्होंने कीवी टीम पर भी दाव लगाया है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर वो कौन सी टीम होगी जो इस वर्ल्ड कप को अपने नाम करती है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की बात करें, इस वर्ल्ड कप ये टीम दमदार फॉर्म में चल रही है। इनके कप्तान बाबर आजम बल्ले से जमकर गरज रहे हैं। बाबर ने इस वर्ल्ड कप में अब तक 5 मैचों में 66 की एवरेज से 264 रन बनाए हैं, जहां उन्होंने 450 भी जड़ी है। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट फैंस तो यही चाहेंगे कि फाफ की भविष्यवाणी सच हो जाए और उनके कप्तान बाबर आजम एक बार फिर से पहले सेमीफाइनल और फिर फाइनल में जमकर खेलें और मुल्क को दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जिता दें। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट। हम दिंगे क्रिकेट जैक का नाम। आई जस्ट लर्न दिस टू वर्ड्स, दैट्स इट। इफ यू हैव एनी अदर यू कैन थ्रो देम इन। इफ टुडे सेमीफाइनल इज एनीथिंग टू गो बाय, आई एम श्योर इट विल बी अ यू नो एब्सोल्यूट क्रैकाथॉन द गेम, बिकॉज़ ऑस्ट्रेलिया, दैट्स नाइस, दैट्स ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान, टू गुड साइड्स। आई पुट माय मनी ऑन पाकिस्तान बिकॉज़ ऑफ द काइंड ऑफ क्रिकेट दे आर प्लेइंग। अगेन आई विल से अ लॉट डिपेंड्स ऑन द टॉस, स्पेशली इन दुबई, and I hope Australia win the toss. That will give them the best chance of winning. Otherwise, Pakistan, I think, in many ways will run away with the match, because up front with their bowling attack and against the matchups that they have against Australia, you'd back Pakistan to pick a couple of wickets in the power play, and that would put a lot of stress on the lower middle order of Australia. DK is saying the money he's talking about is monopoly money. Yes, we're putting monopoly money only. Okay, all right, everybody calm down, put your Twitters down. But the big news coming for Pakistan is that Shoaib Malik and Rizwan flew. Talked about Shoaib Malik and Jamai Raja has made a big impact in this tournament, there's no doubt. But I think Rizwan holds the key because, Rizwan allows Babar to play the way he plays and he holds the innings together. Rizwan keeps wicket as well, and you know my take on wicket keepers, they are the ones who decide the energy in the side. So that energy in that side looks very calm, very composed, and which is rare with Pakistan. So you need that kind. So I think you probably miss Rizwan a lot more. Shoaib Malik, of course, his ability and his experience is something that you will miss. But for me, these games are never about the guys at 5, 6, 7 and 8. It's about the top 3, 4, because especially against Australia, they're one side that they never let you get up again. If you let